और जहाँ जाओ वहीं पर मैनेजमेंट भी करो, सेटिंग करो। मैं उज्जैन कुंभ मेला में एक संत जी मुझे बुला ले गए, तो उसमें लिखा था अखिल भारतीय अध्यक्ष। मैं सोचा कोई बहुत बड़ा अध्यक्ष है, टाइम दे दिया, वहाँ गया। वहाँ सब कबाड़ खाना था, तो बहुत गर्मी और लेट हो रहा, मुझको टाइम टू टाइम मेरा कार्यक्रम था। हमें यहाँ 20,000 लोग सत्संग सुनने के लिए बैठे, उसने वहाँ फंसा दिया। तो मैंने फिर, मैं तो था उसमें अतिथि, लेकिन मैं बन गया कार्यकर्ता। वहाँ सब सेटिंग फटाफट कराए के 10 मिनट में फाइनल निपटा दिया, और 5 मिनट प्रवचन सुनाए, देन खट्टस गाड़ी में बैठे चलते हैं। तो बोले हम बहुत खुश हैं कि हमका यूँ कुछ आवत नहीं रहे, तुम बनाए दे, बहुत ठीक है। तो कार्य भी करना चाहिए हर जगह, आलसी बनकर मत बैठिए। और स्वभाव को सुंदर बनाओ। स्वभाव की सुंदरता, अगर आपने दुकान खोला है तो ग्राहकों की संख्या को बढ़ाएगी, यदि आप साधु बन गए हैं तो भक्तों की संख्या बढ़ाएगी, और यदि आप नेता हैं तो वोटर सपोर्टर की संख्या बढ़ जाएगी। स्वभाव आपका सुंदर है, और यदि आप डॉक्टर हैं तो मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी। और यदि स्वभाव सुंदर नहीं है तो सबकी संख्या घट जाएगी, केवल तुम ही तुम रह जाओगे। और स्वभाव को सुंदर बनाने में एक पैसा खर्च नहीं होता है, केवल आदत को बदलना। लेकिन स्वभाव सुंदर हो गया तो उससे सब चीज मिल सकती है। चरित्र को सुंदर बनाने में कौड़ी खर्च नहीं होती, लेकिन चरित्र से सब कुछ पाया जा सकता है। वाणी मधुर बोलने में खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन मधुर वाणी से सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए याद रखना, अपने स्वभाव पर भी ध्यान दो। स्वभाव सुधर जाएगा तो प्रभाव सुधर जाएगा, और स्वभाव एक ऐसी चीज है जो बदलता रहता है। कितने लोगों का स्वभाव 25 साल की उम्र तक ठीक रहता, फिर चिड़चिड़ा हो जाता है। कितने लोग 40 साल की उम्र तक ठीक ठाक, उसके बाद भी बहुत उलझन उनके होते, बहुत गुस्सा करते, बहुत दांत पीसक, गेहूं पीसक तो बचे नहीं तो दांत पीसा करते, बहुत नाराज। लोग कहते बप्पा के हैं, पता नहीं क्या होगा। पहले बहुत ठीक रहे, 2 साल से बहुत ही ज्यादा उलझन, स्वभाव बिगाड़ लिया उन्होंने। और कितना ही तुम अपना स्वभाव बिगाड़ो, दूसरे लोग कोई सुधरने वाले नहीं। तुम गधे के पास जा करके गधे से लपटी लुपटा करो, पटकी पुटका करो, गधा घोड़ा कभी न बने, वो रही गधे। इससे अच्छा है गधे से दूर रहो तो इज्जत बच जाए, नहीं दूर लाते भी मारी। और तुमको लोग कहे तुम गधा से बड़े गधा हो, इससे काहे भिड़े। तो इसलिए अपना स्वभाव, अपना चरित्र, अपना विचार मत बिगाड़ो, क्योंकि उससे आपका भाग्य बनता है। अगर उसे आप बिगाड़ लोगे तो आपका भाग्य बिगड़ जाएगा। दुनिया सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, लेकिन तुम बिगड़ मत जाना इसके चक्कर में। किसी घर में एक स्त्री बहुत उलझती थी, उसका पति शांति से बैठ, वो बढ़ई था, वो अपना कुर्सी मेज बनावत रहा। तो उसकी पत्नी बोली, तुमरे पर तनको असर नहीं पड़ते, इतना हम उलझे थे, तुम तनको नहीं उलझे थे। तो उसके पति ने कहा कि हम उलझे तो ये कुर्सी मेजो न बन पाई, फिर यह बसला तुम्हारी खोपड़ी मार देवे। इसलिए हम उलझैया नहीं हैं, तुम अपना चिल्लाती हो फालतू। अब ये पति अगर स्वभाव बिगाड़ ले तो उसके पास कोई कुर्सी मेज बनवाने भी नहीं आएगा, क्योंकि वो उलझे लगा। नाराज होने वाले आदमी की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, हसमुख खुश मिजाज प्रसन्न चित गम खाने वाले आदमी की बिगड़ी हुई व्यवस्था भी सब सुधर जाती है। इसलिए अपना स्वभाव सुधार। भगवान राम के पास क्या था, सुंदर स्वभाव ही तो था, और उनके पास वनवास में कुछ नहीं था। और सुंदर स्वभाव, मधुर वाणी के बलबूते, चरित्र के बलबूते राम ने वनवास में भी रामा दल खड़ा कर दिया। सोचिए,
और लंका जैसे लंकापति को पराजित करके जीत हासिल किया। ये उनके स्वभाव का प्रभाव था, चरित्र का प्रभाव था, वाणी का प्रभाव था। हनुमान जी से जब राम जी बोलते हैं, हनुमान चालीसा, इसमें कितने लोगों ने पढ़ा, हाथ उठाइए ऊपर, नीचे कर लो। अभी कितने लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं रोज, झूठ मत उठाना, रोज जो पाठ करते, बस ठीक, दो आदमी बचे हैं रोज पाठ। हनुमान जी भी निपट गए। अब लोग कहते भूत प्रेत नहीं है तो हनुमान जी का कौन काम। हनुमान चालीसा में ज्ञान भी है, उसमें लिखा है, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही तुम मम प्रिय भरतहिं सम भाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। राम जी ने हनुमान जी की बहुत बड़ाई किया, बहुत प्रशंसा किया, धन्य हो हनुमान जी। तो एक बंदर की प्रशंसा भगवान कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, तुम मेरे ऐसे प्रिय हो जैसे मेरा भाई भरत प्रिय है, अर्थात तुम मेरे भाई भरत के समान हो। मेरा भरत भाई अयोध्या में है, वनवास में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि हनुमान के रूप में मेरा भरत भाई मिल गया है। हनुमान जी उठकर खड़े हो गए कि अगर आपने मुझे भाई बनाया है तो जो भाई को आपके साथ करना चाहिए वो मैं करूंगा, आपका पूरा साथ दूंगा। एक ही शब्द से, एक ही वाणी से हनुमान जी गदगद हो गए और राम जी का पूरा कार्य किया। आज के आदमी कहते हैं कि जितना हमका भाई से खतरा है उतना कोई से और खतरा ही नहीं। अब ये भाई कौन मॉडल कह रहे हैं, कहते हैं तुम मम दुश्मन सम नहीं कोई, तुम्हारे समान कोई दुश्मन नहीं। कहा भाई से जो बच गए तो जानो जिंदा रह जाए, भाई खतरा बन गया। आज मैं रघुनंदन जी के घर में बैठा था, जब आया तो वहाँ कुछ भक्त लोग आ रहे थे, तो एक तिवारी जी आए फरदान तरफ से। तो हमने सबसे नाम पूछा, पता पूछा, तो हमने कहा इनसे कैसे संपर्क हुआ है, तिवारी जी से। तो बोले तिवारी जी की जो पत्नी है और इनकी पत्नी के जो भाई है वो मनसमन के साथ पढ़त रहे, तब से दोस्ती रही और प्रेम रहे। तो मनसमन आए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ दो भाई हैं और जो हमारा दोस्त रहे वो तीन भाई है, तो तीन और दो मिलाए हम पांच भाई हैं, पांच हैं गुरु जी। और फिर मनसमन रोने लगे, फिर वो रघुनंदन रोने लगे, बोले हमारे लिए वो जान देख तैयार है। संजय तिवारी सब बोले हम उनका छोड़ नहीं सकते, अब वही हमका न छोड़ पे, हम दो ही भाई नहीं हैं गुरु जी, आप तो दो ही भाई जानत रहो, हम पांच भाई हैं। अब कहाँ वे तिवारी और कहाँ ये चौहान, कहाँ ये हनुमान बंदर और कहाँ वो राम भगवान। और भगवान बंदर से कहत कि तुम हमारे भाई हो। तो ये महान है रघुनंदन और महान है वो मनसमन, जो कम से कम वो तीन भाई और बनाए ने। अब कितने बेईमान हैं वही लोग जो सगे भाई के निपटार दी थे, वो का भाई नहीं बनाएगा। रावण वो भी तीन भाई था, अपने भाई को नहीं संभाल पाया। जब रावण को मारा राम ने और धरती पर गिरा, फिर उससे ज्ञान सीखने गए, तो रावण ने कहा कि सबसे बड़ी बात यही है, हे राम तुम्हारा भाई लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ था और मेरा भाई विभीषण भी आपके साथ था और ये बंदर हनुमान भी आपका भाई बनाकर इसको आपने साथ रखा और मैं इतना धूर्त निकला कि मैं अपने भाई विभीषण को भी भाई की तरह नहीं रख पाया
अगर मेरा भाई विभीषण मेरे साथ होता और तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ होता तो ये युद्ध चलता रहता, कोई पराजित मुझे नहीं कर पाता। कौन बताता नाभि में अमृत है, तुम्हारे बाण खत्म हो जाते, प्राण खत्म नहीं होते। लेकिन मेरी गलती ये है, मैं भाई को भाई की तरह रख नहीं पाया, तो मेरे भाई के कारण ही मेरी मौत हो गई। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन थोरी समान। सवेरे उठकर थोड़ी देर ध्यान भी किया करो, फ्रेश होने के बाद 5 मिनट ध्यान कीजिए, गुरु के मंत्र को 7 बार जप कीजिए, प्रातः वंदना का भी गायन कीजिए और आधा घंटे प्रवचन भी सुनिए। प्रवचन ही तुम्हारे आचरण को बदल सकता है। आज मैं अनुज राठौर के घर गया था, मोड़ा गाली पधरौनी, प्रवचन बज रहा था, धैर्य पर बोल रहा था, तो मैं अपने संत को खड़ा किया, अनुपम दास को, आओ सुनो। शब्द ये था कि धैर्य जब टूट जाता है तो मनुष्य संसार में जीना नहीं चाहता है, और जिसके पास धैर्य नहीं है वो संसार में जी नहीं सकता है। और धैर्य जब तक है सब कुछ खो जाता है, फिर भी वो व्यक्ति जिंदा रहता है, स्टैंड रहता है। इसलिए धैर्य को बनाए रखो, सब खो जाए लेकिन धैर्य नहीं खोएगा तो सब चीज फिर वापस आ जाएगी और जिंदगी में सुगंध आने लग जाएगी। ये प्रवचन चल रहा था। श्री अनुज राठौर यहां हो तो खड़े हो जाए। ये राठौर साहब परम भक्त, बड़ा सुंदर स्वभाव है, बड़े देवता आदमी है, फिर बैठिए, इसकी श्रद्धा देखो आप, ताली बजाते रहिए। ये इतने महान हैं, आश्रम पर भी 2-4 दिन सेवा कराते हैं, पैसा नहीं लेते। कहा था कहे ये दक्षिणम हुई हुआ तो हमने कहा पैसा नहीं लोगे तो सेवा नहीं मिलेगी। बोले सेवम पैसा नहीं ले जाते गुरुदेव, बहुत ज्यादा काम हो अलग बात। और ये बालक अपने हाथों से मेहनत करके पैसे कमा करके, वो भले ही रूखा सूखा खाएगे ठंडा पानी पियो, लेकिन इतना बड़ा सत्संगी 5 ही बार हो रहा है इनके द्वारा। 5 ही बार है, 5 ही बार है। एक बार तुलसीपुर गांव जहां इनका पहले गांव था वहां करवाया था, और दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5 ही बार यहां हो रहा। और मुझे लगता है जब तक है जिंदगी ये होता ही रहेगा। और इनकी हस्ती ऐसी नहीं है, इनके संपत्ति ऐसी नहीं है कि गुरुदेव का प्रोग्राम कर सकें, लेकिन इनकी भक्ति ऐसी है कि ये मेरा प्रोग्राम बार बार कर सकते हैं, और मेरी इच्छा भी है मैं प्रोग्राम इनका करूं। बैठो। आपकी बाल्टी यदि फूटी है, कुआं में डालोगे, बाल्टी आवाज भी करेगी, कुआं में जाएगी भी, डूबेगी भी, लेकिन जब पानी खींचोगे ऊपर बाहर तो टपक कर फिर सब गिर जाएगा, बाल्टी खाली ही आएगी। बाल्टी छोटी है लेकिन अच्छी है, फूटी नहीं है, कुआं में डूब करके वो 2 लोटा पानी लेकर बाहर आएगी। और बाल्टी यदि बहुत बड़ी है तो पूरा 20 लीटर पानी लेकर आएगी। तो श्रद्धा की बाल्टी आपकी अगर टूटी फूटी श्रद्धा है तो कुछ भी आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है, और श्रद्धा अगर कंप्लीट है, बहुत ज्यादा है, तो भरपूर आशीर्वाद आपको मिलेगा। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सुगुरु दीनी दान। आपके घर में सुख शांति का वास हो, कोई भूत प्रेत का प्रभाव न रहे, आपके घर की माताएं बहनें देवी का रूप धारण करके
घर की शोभा बढ़ाएं। आपके घर के पुरुष राम और कृष्ण की तरह पूरे देश में ख्याति प्राप्त करें। आप सभी का कल्याण हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रो, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर हो। संकट मिटा सुग्रीव का, राज्य हुआ सोची, इधर शैल पर्वत पर पहुँचे करुणासी, इधर शैल पर्वत पर पहुँचे करुणासी। जिस समय भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पीरियड में अयोध्या से प्रस्थान करके निषाद के गांव में वृक्ष के नीचे घास और पुआल बिछाकर विश्राम करते हैं। प्रातः होते ही ग्रामवासियों को बिना मिले हुए आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु सबसे मिलकर चलिए। राम ने कहा ये गांव के लोग बहुत प्रेमी हैं, फिर जाने नहीं देंगे, देर हो जाएगी, इसके लिए चुपके से विदा होना ठीक है। गंगा तट पर पहुंचकर केवट से नाव की मांग करते हैं। केवट नाव लाने से इनकार करता है। श्री राम जी मुस्कुराकर कहते हैं, जिस तरह से तेरी नाव सुरक्षित रहे, मेरे चरण पखार लो, बेग यानो जल पाई पखारू, होत विलंब होता रहो पारू। चरण पखार कर केवट गंगा से पार कर देता है। उसके बाद दंडवत प्रणाम करता है। इस भारत की धर्मभूमि में दंडवत प्रणाम की परंपरा थी। सामान्य रूप से चरण छूकर प्रणाम करने की व्यवस्था बनाई गई। धीरे धीरे अभिमानी और अज्ञानी बढ़ते गए तो खड़े खड़े भी हाथ जोड़कर प्रणाम करने का सिस्टम निकाला गया। फिर और अधिक मूढ़ लोग बढ़े तो एक हाथ उठाकर प्रणाम करने का तरीका ढूंढा गया। फिर अभिमानियों का विकास होता ही गया तो चरण छूने की बजाय वे घुटना छूने लगे। घुटना छूकर मस्तक में लगाने के बजाय
अपने हृदय में लगाते हैं कि दिमाग तो आपको नहीं स्वीकार कर रहा है, लेकिन दिल में थोड़ी जगह है, ठीक है। पैर तो नहीं छूऊंगा, घुटना इसलिए छू रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ कि अब घुटना में दर्द शुरू होने वाला है। धीरे धीरे और अज्ञानी अभिमानी विकसित होंगे तो पेट छूकर अपने पेट में लगा लेंगे क्योंकि दोनों इशारा दे देंगे पेट ही के कारण हम जी रहे हैं, बाकी तो सब व्यर्थ। ये नमस्कार धीरे धीरे अपभ्रंशित होता जा रहा है और लोग कुतर्की पैदा होते जा रहे हैं। हर बात को काटने की कला लोगों में धीरे धीरे आ चुकी है और श्रद्धा घटती जा रही है, आस्था नुकसान के दायरे में पहुंच चुकी है। जब मनुष्य की आस्था घटती है तो उसके जीवन में शांति भी घट जाती है। आस्था चाहे माँ के प्रति हो या पिता के प्रति या गुरु के प्रति या संत के प्रति, आस्था का अपना अलग महत्व होता है, आस्था का एक आनंद होता है। प्रेम जब परम पवित्रता को प्राप्त होता है, श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है। जब वो प्रेम त्याग से विभूषित हो जाता है तो समर्पण का रूप ले लेता है। प्रेम जब वासना से प्रभावित होता है तो प्रेम संसार के भोग और मोह का रास्ता खोलता है। प्रेम चौराहा है और चौराहे से जैसे चारों तरफ जाने का रास्ता होता है, ऐसे प्रेम के पॉइंट से चारों तरफ निकलने का रास्ता है। वासना में चले जाओ या उपासना में चले जाओ या समर्पण वैराग्य में चले जाओ, प्रेम विहीन मनुष्य भयंकर क्रोध करता है। प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति, आप उसको कुछ कहोगे यदि आपसे प्रेम रखता है तो जवाब देना वो पसंद नहीं करेगा, मौन ही आंखों के इशारे से चेहरे की भाव भंगिमा से आपको संकेत प्रदान कर देगा कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, परंतु शब्दों से मौन हो जाएगा। प्रेम लड़ना नहीं चाहता है, प्रेम गम खाना चाहता है। किसी व्यक्ति के पास में स्कूल था, 1600 विद्यार्थी थे, 60 टीचर थे, तो स्कूल का मालिक रोज अपनी पत्नी से उलझ जाता था, कोई फाइल ढूंढे न मिले, कोई रजिस्टर खो जाए, तो अंतिम स्टेशन अपनी पत्नी के ऊपर टूट पड़ता था। योगान योग उसके यहाँ मेरी पदरूनी थी, मेरे लिए जलपान का प्रबंध बहुत अच्छा किया, 18 प्रकार का जलपान था। पति पत्नी दोनों खुश थे, पति जलपान लेने गया तो पत्नी को चांस मिला तो उसने कहा जरा पति जी को समझा देना, थोड़ा गर्म दिमाग ज़्यादा रहता है। मैंने कहा समझा दूंगा, उसका पति भी पीछे से आ गया, वो सुन लिया, उसने कहा तुम मेरी शिकायत करती हो तो मैं तुम्हारी भी शिकायत करूंगा।
तो मैंने कहा गुरुदेव शिकायत की पेटी है, उसमें दोनों लोग अपनी अपनी शिकायत डाल दो पेटी में। समझाया उनको, दोनों ने कहा कि 60 टीचरों को डील करता हूँ और क्लर्क हैं, चपरासी हैं, लेकिन मेरी वाइफ महान है, मैं कहीं से उलझ कर आता हूँ इसको डांटता हूँ तो ये शब्द में उत्तर नहीं देती है, अजीब आँखों से देख लेती है, कभी आंसू पोंछ लेती है, कभी आंखें नीचे कर लेती है, कभी चेहरे से कुछ संकेत करती है, लेकिन ये महान है, अगर ये सहनशीलता न रखती तो शायद मेरी गुस्सा इस स्कूल को भी बर्बाद कर देती है। आपके घर में जो लोग सहनशील हैं, वे लोग बड़े महान होते हैं। भोपाल राजधानी धामनिया गांव में सत्संग था, तो जिनके घर मेरा निवास था, बहुत बड़ा मकान था, तो मैं सुबह सुबह परिक्रमा कर रहा था, उनके यहाँ मैं 5 दिन रुका, 3 दिन प्रवचन, 2 दिन फादिल रुकना पड़ा, लेकिन 5 दिन में परिवार के कोई लोग मिल नहीं सके हमको, कुछ व्यस्तता ऐसी बनी। तो एक दिन मिलन हो गया, तो मैं परिक्रमा कर रहा था, उसी समय उनकी बेटा, बेटे का बाप, बाप का बाप सब आ गए। तो बाप ने कहा बेटे को थोड़ा समझा देना गुरुदेव, इसके नाक पर ही गुस्सा रखी रहती है। तो बेटा बोला गुरुजी थोड़ा पिताजी को समझा देना, इनके जबान पर ही गुस्सा रहती है। तो उनकी पत्नी आई बोले हमारे पति जी को समझा देना, इतना जोर भड़कते हैं, अगर हम गम न खाए उसी दिन मेरी छुट्टी हो जाए इस घर से, तुरंत निकाल देंगे। और पूजा पाठ बहुत करते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। तो मैंने सबको अलग अलग समझाया, तो भी फोन से बात हुई थी, कह रहे थे आधा तो सब ठंडे हो गए। अब उनके 5 किलोमीटर दूर फिर प्रोग्राम लगा, 6, 7, 8, 9 जून को चौंडी गांव में, भोपाल में, मध्य प्रदेश। तो चौंडी वालों का आज फोन आया, कह रहे थे कि जहाँ धामनियम प्रोग्राम किया था वहाँ से 150 आदमी सत्संग में आने वाला, सब फोन आ रहे हैं 7 जिलों से। तो हमने कहा ठीक है। अब ये जो सहनशीलता है ये परिवार को प्रेम के धागे में जोड़ती है, संगठन की जान है सहनशीलता, और अपने से बड़े को जवाब ना देने की जो प्रवृत्ति है ये महान व्यक्ति का लक्षण है। कुछ ऐसे लोग होना चाहिए जिनके सामने आप बात मत लड़ाएं, कुछ ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए जिनकी बात को आप सुने, कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में होने चाहिए जिनकी डांट को भी आप खा सकें, क्योंकि मानवी के मन की रीति है, गुजरात में कहावत छे मानवी ना मन ना स्वभाव छे, समय समय पर ये बिगड़ता रहता है मन। अगर किसी के भय से भी आप अच्छी राह पर चलते हो तो भी आपका बहुत बड़ा हित है।